लेकिन हमें किसी भी कार्य को केवल भावनात्मक रूप से सोचकर नहीं करना, उसे बहुत व्यापकता से करना चाहिए और उसके दूरगामी परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। और गुरुदेव ने अनेक बार कहा है कि किसी भी मुनि या आचार्य की हूबहू आकृति नहीं बनानी चाहिए, उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव ने ज्ञान सागर जी महाराज की मूर्ति बनकर आई थी स्थापित नहीं होने दिया, और तब उन्होंने कहा था ये उचित नहीं, समझ गए। तो ये चीज़ें तब से हैं, हम लोग तो बहुत पुराने समय से संग में रहे। अनेक बार उन्होंने स्वाध्याय के समय में भी ये बात कही है, बल्कि बड़ी स्पष्टता के साथ कही है। तो वो सब बातें हम लोगों के जहन में हैं, इस वजह से अभी तक हमने किसी को प्रोत्साहित नहीं किया। भगवान, मेरा प्रश्न है कि आचार्य भगवान जब से समाधिस्थ हुए हैं तब से उनके अनेक देश के अनेक अनेक स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित होने की पहल हो रही है। इसमें मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सबको आपका मंतव्य क्या है और हम सबको इस मामले में किस मार्ग से प्रेरणा दे सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखिए, आचार्य महाराज का इतना प्रताप है कि उनके नाम पर हम जो करें सब कम। आचार्य महाराज के नाम की मूर्ति विराजना तो बहुत छोटी सी बात है, उनके नाम का बृहत्तम मंदिर भी बनाया जा सकता है। मेरे सामने ये प्रस्ताव उसी समय आया था जिस समय गुरुदेव की समाधि हुई। मन तो करता था कि ऐसा कर लिया जाए, लेकिन तभी गुरुदेव की छवि आंखों के सामने उभरती। और गुरुदेव ने अनेक बार कहा है कि किसी भी मुनि या आचार्य की हूबहू आकृति नहीं बनानी चाहिए, उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं करनी चाहिए। वो कहते थे कि गाल धसे, आँखों में झुर्रियाँ पड़ी, गड्ढे पड़े, बिल्कुल नहीं। बनाए तो सम चतुरस्य संस्थान, जैसे भगवान की मूर्ति हो। और वो कहते थे कि इतने सालों में इतने महान महान आचार्य हुए, इक्का दुक्का प्रतिमाएँ, और इस तरह से आचार्यों और मुनियों की प्रतिमाएँ बनने लगेगी तो परंपरा दूषित हो सकती है, फिर भगवान कौन हो जाएंगे। पर चूंकि आचार्य महाराज का मामला, तो वो तो हमारे भगवान है, हमारा भी मन तो करता है कि उनकी मूर्ति स्थापित हो जाए, लेकिन मन करता है, अंदर का मन बोलता है गुरु की उपेक्षा, आज्ञा की अवहेलना कर, उनके विचारों को गौण कर उनकी मूर्ति को साकार करना उचित नहीं। तब मैंने लोगों से कहा था कि हम लोग कुंडलपुर पहुंच रहे हैं, इस विषय में संघ में चर्चा करने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। इस मंच पे भी ये सवाल आया था और मैंने सार्वजनिक रूप से भी यही कहा था कि कुंडलपुर पहुंच रहे हैं, हम लोग सब एकत्रित होंगे और इस पर विचार मंथन करने के बाद जो पूरे संघ का विचार होगा वही मेरा विचार होगा। पर संयोग था, कुंडलपुर में हम लोग जितने दिन रहे 20-25 दिन, इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं हो पाई, इतनी भीड़ भाड़ की कोई चर्चा ही नहीं हुई, इसलिए बात मन की मन में रह गई। इसलिए मैं तो इस विषय में एक ही राय रखता हूँ कि इस पर बहुत गंभीरता और व्यापकता से विचार करना चाहिए और एक राय एक मत से कार्य करना चाहिए। यदि संघ की राय हो तो समाज तो तैयार बैठी है, हर गांव गांव में गुरुदेव का मंदिर बन सकता है, लेकिन ऐसी राय के पूर्व मंथन जरूरी है। सबके एक राय होनी चाहिए,
गुरुदेव ने ज्ञान सागर जी महाराज की मूर्ति बनकर आई थी, स्थापित नहीं होने दिया। और तब उन्होंने कहा था ये उचित नहीं, समझ गए। तो ये चीज़ें तब से हैं, हम लोग तो बहुत पुराने समय से संग में रहे। अनेक बार उन्होंने स्वाध्याय के समय में भी ये बात कही है, बल्कि बड़ी स्पष्टता के साथ कही है। तो वो सब बातें हम लोगों के जहन में हैं, इस वजह से अभी तक हमने किसी को प्रोत्साहित नहीं किया, और अंदर की बात करूं तो किसी को मना भी नहीं किया, मना नहीं किया। भैया तुम जानो, हम मना क्यों करें। लेकिन हमने अभी तक किसी को कहा नहीं, और ये आप हमसे आशीर्वाद लेने आओगे तो हम कहेंगे भी नहीं, और आप करोगे तो हम मना करेंगे भी नहीं। हम क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि गुरुदेव ने इस पर अपनी असम्मति रखी। अब इस पर यदि संघ की सम्मति बन जाए, तो जिस दिन संघ की सम्मति बनेगी उस दिन मैं चाहूँगा सबसे पहले उसकी शुरुआत मुझसे हो। लेकिन हमें किसी भी कार्य को केवल भावनात्मक रूप से सोचकर नहीं करना, उसे बहुत व्यापकता से करना चाहिए, और उसके दूरगामी परिणामों पर भी विचार करना चाहिए, तभी सही सुपरिणाम आएगा। नमस्ते महाराज, नमस्ते।